है मेरा नया आविष्कार दूरदृष्टि गैजेट। अब अगर तुम किसी को फोन लगाओगे या कोई तुम्हें फोन लगाएगा तो तुम ना सिर्फ उस इंसान से बात कर पाओगे पर इस चश्मे के जरिए तुम उसे और उसके आसपास की चीजों को देख भी पाओगे और उस इंसान को पता तक नहीं चलेगा। अरे वाह, ये तो बड़ा ही कमाल का गैजेट है। चाचू, सबसे पहला फोन भल्ला अंकल को ही लगाते हैं। पैसा। पल्ला जी, आप कहाँ हो? अगर मैंने चाचे से कह दिया कि मैं बैंक में हूँ तो सैलरी मांगना शुरू कर देगा। कुछ बहाना बनाता हूँ। चाचे, मुझे बुखार है इसीलिए घर से बाहर ही नहीं निकल पाया। ओए पल्ला जी, तू साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। गोटो की गड्डी लिए बैंक में खड़े हैं और कह रहे हैं कि मैं घर पे बीमार हूँ। वो आपको सैलरी नहीं देने का नया बहाना बना रहे चाचू। उन्हें यूं ही बातों में उलझाए रखिए, हम बैंक चलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ते हैं। पल्ला जी, मैं आपको ना बुखार भगाने का एक नया तरीका बताता हूँ। आप ना अपने जूते उतार के अपने सिर पे रख लो, तुरंत आराम मिलेगा। जी जरा बाएं मुड़िए वरना दीवार से टकरा जाएंगे। शुक्रिया चाचा। चाचा को कैसे पता चला कि मैं दीवार से टकराने वाला हूँ? ओहो पल्ला जी, रुक जाइए, एक भी कदम आगे मत रखना। ओए चाचे, तू मुझे धमकी दे रहा है? तू मुझे ऐसे रोक नहीं सकता। मैं कदम आगे रखूंगा, ये ले। ओहो पल्ला जी, मैंने आपसे कहा था कि एक भी कदम आगे मत रखना, अभी मैन होल में गिर जाते। पर तुम दोनों यहाँ कैसे? वो बस आपका हाल चाल पूछने आए थे भल्ला अंकल, आपको बुखार था ना? ओए चाचे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हें सैलरी देकर सरप्राइज करने वाला था। बहादुर को किसी ने किडनैप कर लिया सर। किडनैपर्स ने मुझे फोन करके कहा कि बहादुर का पता ठीक 10 बजे बताएंगे। ढोलकी, अब हम बंदूकनी को बहादुर का गलत पता बताएंगे। वाह जीजे, क्या आइडिया है। मैं एड्रेस की पर्ची अंदर फेंकता हूँ। ओ इस पर लिखा सर मॉल रोड, हमें जल्दी वहाँ चलना चाहिए, चलो। रुकिए बंदूकनी जी, क्या किडनैपर ने आपसे पैसे या कोई और चीज मांगी है? नहीं तो? तो फिर ये कैसा किडनैप हुआ? जरूर कुछ गड़बड़ है। बंदूकनी जी, वो नंबर बताइए जिससे सुबह आपको किडनैपर ने कॉल किया था। चाचू, आप दूरदृष्टि गैजेट से तुरंत इस नंबर पर फोन लगाइए। ओयो, दूरदृष्टि गैजेट क्या है? बहादुर अंकल का सही एड्रेस पता लगाने का जरिया। ओए भतीजे, मैं बहादुर को देख सकता हूँ। वो बंधा हुआ है, उसके मुंह पर पट्टी भी है, एक छोटे से कमरे में बंद है। चाचू ध्यान से देखिए और क्या क्या दिखाई दे रहा है। ओए कमरे में एक छोटी सी खिड़की है, खिड़की के बाहर एक बोर्ड है जिस पर लिखा है पंतूश नगर 20 किलोमीटर, और पास में कुछ लिली के फूल हैं। लिली के फूल तो शहर के दाईं तरफ खिलते हैं, यानी हमें फंटूश नगर से दाईं ओर 20 किलोमीटर दूर जाकर देखना चाहिए। मैडम जी, आप यहाँ क्यों आई? ले, ओ भलाई का तो जमाना ही नहीं सा। एक तो मैं तन्ने छुड़ाने के लिए आई और तू मन्ने पूछ रहा सा कि मैं क्यों आई है? नहीं मैडम जी, बात वो नहीं है, ये सब डंका ढोलकी की चाल है।
वो चाहते थे कि आप मुझे ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन से बाहर निकले और फिर वो पुलिस स्टेशन में घुसकर बड़े बॉस के लिए कोई पीली फाइल चुरा सके। ओ बावड़ी बूझ भैंस की पूछ बक्के होगा। हम फंटूश नगर से इतनी दूर हैं कि जब तक वापस पहुँचेंगे तब तक डंका ढोलकी ने फाइल चुरा भी ली होगी। नहीं बंदूकनी जी, हम भले ही डंका ढोलकी तक पहुँच नहीं सकते पर उन्हें कंट्रोल तो कर सकते हैं। वे पर कैसे? चाचू वो दूरदृष्टि गैजेट मुझे दीजिए और देखिए कमाल। ले लीजिए। कौन है जो घोड़े पर सवार है? इस फोन की आवाज से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। हेलो, हमें डिस्टर्ब मत करो। रुक जाओ डंका, मैं हूँ बड़ा बॉस। बड़े बॉस? सर खुजाना बंद करो। क्या आप हमें देख सकते हो? हाँ बड़ा बॉस सब देख सकता है। अब जल्दी से वो पीली वाली फाइल ढूंढो। ढूंढ रहे हैं बॉस पर कहीं मिल नहीं रही। भतीजे हाल ही में हेडक्वार्टर ने नई लाठी का पार्सल भेजा, ऊपर की तरफ रखा है। अभी डंका ढोलकी पर लाठी चार्ज करवाता हूँ। डंका तुम ढोलकी के कंधों पर चढ़ जाओ। जल्दी करो, मुझसे आपका वजन उठाया नहीं जा रहा। यहाँ इतना अंधेरा है कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फाइल वहाँ है क्या? ओए भतीजे, मेरे टेबल के ड्रॉर में अक्सर चूहे घुमा करते हैं। अब ये चूहे डंका ढोलकी को घुमाएंगे। डंका बंदूकी की टेबल की ड्रॉर में चेक करो। वाह जिंजे, आप तो ब्रेक डांस में एक्सपर्ट हो। ब्रेक डांस के बच्चे, मैं तेरा सर ब्रेक कर दूंगा। अब तू करता रह ब्रेक डांस। ओए ढोलकी, पीली फाइल मिल गई, चलो भाग चलते हैं। बहादुर अंकल जीप भगाइए, उन्हें पीली वाली फाइल मिल गई है। वो रहे डंका ढोलकी। बंदूकनी जी जल्दी से अपना फोन मुझे दीजिए। डंका ढोलकी भाग गए, हमारे हाथ से निकल गए। नहीं, बंदूकनी जी का फोन ढोलकी के बैग में अटका है और मैंने इस दूरदृष्टि गैजेट से उस फोन पर कॉल किया है तो अब मैं देख सकता हूँ कि वो कहाँ छुपे हैं। एक मैन होल में। भतीजे क्या डराया डंका ढोलकी को, और फाइल भी वापस मिल गई। फाइल वापस हमारे पास आ गई चाचे। ओए, मेरा सर फट रहा है, बंद करिए बैंड बजाना। और कानून के हाथ और बंदूकनी की लात से कोई ना बच सके है। बुरे काम का बुरा नतीजा, क्यों भाई चाचा? ओए हो भतीजा, ले लो रास्ते का माल सस्ते में। फंटूश नगर से दिखेगा ग्रहण,
और वो ग्रहण नहीं होगा आंखों को सहन। अपनी आंखों की रोशनी को जाने से बचाओ। ले लो ले लो, रस्ते का माल सस्ते में। बावड़ी बूझ भैंस की पूछ, और यो काले चश्मे में के जादू से जो सब दौड़ दौड़ के खरीद रहे से। आते जाओ, लेते जाओ, आते जाओ। मैडम जी, चपाती, चटनी, कचुंबर, इस भीड़ में मेरी चपाती, चटनी और कचुंबर बन गया। बावड़ी बूझ, अभी बनाती हूँ रास्ता। बंदूकी जी हट जाइए, मैं बनाता हूँ रास्ता। ले लो ले लो। ये क्या बलवन, तू इतना काला कैसे हो गया? ओजी पल्ला साहब, काली नजर वालों को सब दिखता है काला। ओए आंखों से चश्मा तो उतारो। नहीं 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 नहीं, कल फंटूश नगर से ग्रहण दिखने वाला है और काला चश्मा पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, दो दिन पहले से ही काला चश्मा पहनना चाहिए, वरना आँखों की रोशनी चली जाती है, समझे? और ग्रहण से सर पे भी असर होता है, लोग पगला जाते हैं। अरे तो फिर लोगों को टोपी पहनाने का, मेरा मतलब है टोपी बेचने का भी बिजनेस करना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग सुनिए, ग्रहण खुली आंखों से देखना नहीं चाहिए, ये बात तो सच है, लेकिन उसके लिए काले चश्मे भी सही होने चाहिए। अरे मेरा धंधा चौपट करेगा ये। भाइयों, रस्ते का माल सस्ते में, इससे पहले कि ये खत्म हो जाए। ले लो ले लो। सर जी, कुछ ऐसा चश्मा बना सकते हो क्या जिससे हमें अंधेरे में भी दिखे और ग्रहण का असर भी ना हो? मनमौजी की मौज को अभी तुमने समझा कहाँ है, ऐसा चश्मा तो सोते वक्त मेरा बायां हाथ भी बना सकता है। चिंचे, फिर तो अपनी बात बन गई। अब जब सब लोग काला चश्मा पहन के घूम रहे होंगे, हम सबके घर खाली कर देंगे। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। तुम्हारे छोटे दिमाग से छोटा आइडिया ही निकलेगा। ग्रहण सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा, इसमें तुम क्या तीर मार लोगे? सर जी, प्लान क्या है? पहले पता करो भतीजे का क्या प्लान है। प्रायो भल्ला के चंगुल में पूरी जनता पागल हो रही है। पहली बात तो कल जिस वक्त ग्रहण दिखेगा उसी वक्त काला चश्मा पहनना चाहिए, और दूसरी बात, ग्रहण से सिर पर कोई असर नहीं होता। ओ जी, अगर इस ग्रहण के बारे में ये सारी बातें अफवाहें हैं, तो फिर असल में ग्रहण होता क्या है? बस यही बात अब पूरे फंटूश नगर को प्रैक्टिकल करके बताएंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, ये है सूरज जिसकी रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है। लेकिन सूर्य ग्रहण में सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। चाचू, सूरज और पृथ्वी के बीच कौन आता है? सूरज और पृथ्वी के बीच बलवंत आता है। बावड़ी बूझ, बलवंत नहीं चांद आता है। ओए बंदूकनी जी, बलवंत तो खुद ही आधा चांद है, है? अब तो पूरा चांद बन गया। भतीजे एक और। मेरी नाक। बलवंत, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तूने मेरी नाक काट दी। ओ, 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 भला अंकल, हट जाइए रास्ते से। आइडिया,
बंदूकनी जी, ये हेलमेट सिर्फ लोगों का वहम दूर करने के लिए बनाए हैं। अरे वो कैसे होगा? ओए जी, लोग तो सोचते हैं कि ग्रहण में उनके सिर के ऊपर असर हो जाएगा। वही तो, जब ग्रहण होगा तभी मैं ये हेलमेट निकालूंगा और सबका डर दूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन जब हेलमेट निकलेगा तब ब्लैक ग्लासेस आँखों पर ही रहेंगे, जिससे आँखें सेफ रहेंगी। रज्जे बात तो कमाल की हो जाएगी। शाबाश डंका ढोलकी, अब ये लोग हेलमेट पहन तो लेंगे लेकिन उतार नहीं पाएंगे। मतलब सब लोग अंधेरे में ही रहेंगे? हाँ, और उनके हेलमेट को लॉक करेगा मेरा एक पासवर्ड। चाचा भतीजा जो भी सोचेंगे उसका उल्टा ही होगा। अब ये लो मेरी करामाती चिप। हाँ? तो सोलर पासवर्ड है। ओ भाई साहब, देख के नहीं चल सकते? ओ सॉरी भाई साहब, इतना अंधेरा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आप हो कहाँ? सूर्य ग्रहण की चमकती रिंग। रायो तो लग गए हैं कि सूरज ने धरती को अंगूठी पहना दी है। ओए भतीजे, अब सही वक्त है हेलमेट उतारने का। चाचू, हेलमेट तो निकल ही नहीं रहा है, आप अपना हेलमेट उतार दीजिए। ओए फिकर नॉट जी, हो जाएगा। ओए हेलमेट तो सिर पे चिपक गया है, ये तो निकलने का नाम ही नहीं लेता। नहीं निकल रहा है। खोजी अंकल, लगता है किसी ने हेलमेट लॉक किए हैं। जरूर कोई चाल है। भतीजे, मैं अभी चेक करता हूँ। ओह नो, इन हेलमेट्स पे तो किसी ने पासवर्ड डाल दिया है। मतलब यहाँ आसपास जरूर कोई गोलमाल होने वाला है। खोजी अंकल, आप पासवर्ड क्रैक कीजिए, तब तक मैं यहाँ संभालता हूँ। जिसके नसीब में जितना है उसे उतना ही मिलेगा। ढोल की लूट ले इन्हें, अब इनको कुछ नहीं दिखेगा। भाइयों, अपनी जगह से ना कोई हिलेगा और ना ही कोई आवाज करेगा। भतीजे, वो सब को शांत करके क्या होगा? चाचू, कानों में बहुत ताकत होती है, लेकिन हमें अपनी आँखों पे भरोसा करने की आदत हो गई है। समझ गया भतीजे। पकड़ लिया। चाचू, ये मैं हूँ। सॉरी भतीजे, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। भतीजे को तो दिख रहा है। अरे मनमोह जी ने तो बोला था कि चाचा भतीजा जो भी सोचेंगे उसका उल्टा होगा। चिच्चे, बिना बोले चुपके से निकलने की कोशिश करते हैं। पासवर्ड तो क्रैक ही नहीं हो रहा, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। उल्टा पुल्टा। हाँ, उल्टा। खोजी अंकल, सोलर का उल्टा यानी RALOS टाइप कीजिए, यही होगा पासवर्ड। काम का पूरा नतीजा। क्यों वही चाचा? ओए हाँ भतीजा। चाचा,
फंटूशी नगर में है दो मत वाले, दिखते हैं भोले भाले पर है ये हिम्मत वाले। सब चोर चक्के इनके नाम से कांपे, जब सामने आ जाए तो सारे रास्ता नापे। हमसे पंगा लेने का होगा बुरा नतीजा, बड़े बड़ों की छुट्टी कर दे चाचा और भतीजा। चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा, चाचा और भतीजा।